स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। एक्सप्लोर आई चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम एक महत्वपूर्ण पहलू पर बातचीत करने जा रहे हैं। 24/7 365 डेज हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है इस पहलू को अचीव करना, और वो पहलू है हैप्पीनेस। तो यदि हमें हैप्पीनेस के ऊपर बात करनी है तो डेफिनेटली हमें किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी हैप्पीनेस के ऊपर। तो आइए आज हम जिस व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं वह इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड लीडिंग हैप्पीनेस कोच हैं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, जिसमें टेडेक्स प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड है, मोर देन 500 टॉक्स डिलीवर करे हैं। तो आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं HOH हाउस ऑफ हैप्पीनेस की फाउंडर, यंग डायनामिक एंड हैप्पी पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड मिस जानकी रवानी जी का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आपके टॉपिक को लेके। एक्सप्लोर आई इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ जिए तो लाइफ इतनी मज़ेदार हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ वाइल यू आर लिविंग एंड यू आर सीइंग द फनी थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो मुझे बहुत मज़ा आता है अपने आप को देखते हुए, एंड आई फाइंड इट फैसिनेटिंग। सो यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपने वैल्यूएबल टाइम हमें इस कॉन्वर्सेशन के लिए दिया है। इट्स अ प्लेजर। वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो आप हमेशा इनकाउंटर करते होंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? सो आई विल स्टिक टू द 5-year-old डेफिनेशन, जैसे मैं कहती हूँ जो 5 साल के बच्चे को भी समझ आ रहा है, दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ओके, हैप्पीनेस इज वेरी सिंपल कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं खुश रहूंगी, आज चाहे जो हो जाए, आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, सो दैट फीलिंग यू ऑलरेडी मेड द डिसीजन कि मेरा दिन आज इस दिशा में जाने वाला है। हाँ, बीच में कुछ चीजें आएंगी, गड़बड़ होगी ही, यू आर गोइंग टू लूज कंट्रोल, कुछ ना कुछ चलेगा, बट इट डजंट मैटर, आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। तो ये बात मैंने सीखी, आई मीन एज आई सेड आई एम वेरी अवेयर, यू नो, पूरे दिन मैं अपने आप को देखती रहती हूँ एज आई एम लिविंग, एंड मैं अपने बच्चों को, मैं एक्चुअली ऑल द टाइम आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। जो भी इंटरेक्शंस मेरे होते हैं, जिन किसी को मैं मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग, आई एम ऑल्सो वेरी अवेयर। तो हम जा रहे थे एक लेक, बॉम्बे के पास एक तानसा लेक करके है, विच इज बॉम्बेज बिगेस्ट वाटर रिजर्व। तो हमारा साल भर का पानी वहीं से आता है, एंड 2 घंटे की ड्राइव थी, रास्ते खराब थे, एंड माई 5-year-old सन सेड, मम्मा ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप है, एंड तानसा लेक इज सो ब्यूटिफुल, यहाँ इतना मजा आने वाला है ना कि बस पूछो मत। मैंने बोला ये 5 साल का है, ये वहाँ गया नहीं है, ही डजंट नो व्हाट अ लेक इज, यू नो, ही इज नॉट रियली सीन, ये स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहे हैं, लेक था। तो आई सेड बट अर्जुन यू हैव नेवर गॉन देयर, तो आपको कैसे पता कि मजा आएगा? ही सेड बट मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मजा आएगा, तो आएगा, यू नो, एंड आई सेड दैट्स इट, राइट, दैट्स इट, द 5-year-old नोज हैप्पीनेस इज अ चॉइस, कि ये, यू नो, हमने सोच लिया। अब हम जनरली लाइफ में क्या करते हैं, मुझे पता है ये, यू नो, फेल हो जाएगा, मुझे पता है ये यहाँ डांट पड़ेगी, मुझे पता है वो ऐसे ही करेंगे मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे जाके ये करेंगे, हम क्या डिसाइड कर लेते हैं? कुछ ना कुछ अनशन, थोड़ी बकवास, अब फिर क्या होता है हमारी लाइफ में, वही होता है। सो विच इज व्हाई से इफ यू डिसाइडेड कि हैप्पीनेस, तो ये मैं आज खुश रहूंगी तो खुश रहूंगी, आई एम गोना हैव अ टेरिफिक डे, सो दैट्स वेयर आई फील हैप्पीनेस इज अ चॉइस, सिंपल, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ अ चॉइस। आप सभी व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि जानकी मैम हैप्पीनेस के टॉपिक पर कुछ कोर्सेस ऑर्गेनाइज करती हैं, जिनके लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उनके बारे में और अधिक जान सकते हैं। मैम, इससे ही मेरा रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इज़ अ बेसिक इमोशन,
राइट, आप गुस्सा होते हैं, आप दुख होते हैं, सुख होते हैं, ये सारे बेसिक इमोशन है, आई थिंक 7 बेसिक इमोशंस होते हैं. तो बेसिक इमोशंस की कोचिंग, आई मीन कोच, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, बिकॉज हमें एक्चुअली हम जो सीखते हैं इमोशंस के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स वॉच एंड लर्न, राइट? तो हमने ये फॉर्मली सीखा नहीं है कहीं, बट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न वी आर लुकिंग एट आर पेरेंट्स, वी आर लुकिंग एट आर केयर गिवर्स, और हम सीख रहे हैं कि ये मैं करता हूँ तो ये स्माइल करते हैं, खुश हो जाते हैं, ये करता हूँ तो गुस्सा करते हैं, मैं रोता हूँ तो उनका ये रिएक्शन है. सो वी आर वॉचिंग एंड लर्निंग, और वॉचिंग एंड लर्निंग में जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता ना, तो आर माइंड इज वेरी शार्प, इट विल पुट टू एंड टू टूगेदर और कुछ अज्यूम कर लेगा कि ये ऐसे होता है. सो वेन वी आर वेरी स्मॉल वी अज्यूम कि अगर मुझे मम्मी पापा को खुश करना है तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना, तो वी कीप अज्यूमिंग और फिर हमारी पूरी लाइफ हम ऐसे ही जी लेते हैं टू प्लीज पीपल, बिकॉज हमें लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ वहाँ से आती है. सो वाई यू नीड अ हैप्पीनेस कोच और वाई यू नीड टू यू नो सिट विद समबडी टू रियली अंडरस्टैंड इज टू सिंपली टेक अ पॉज एंड अगेन स्टेप आउट एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ कि आर यू सीइंग व्हाट आर यू डूइंग हियर. So as a happiness coach, as an awareness coach, somebody who helps people explore themselves, I ask them questions that why are you trying to please them? Why are you afraid of failure? कि आपको क्यों डर लगता है कि यार you know ये fail हो जाएगा या ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको क्यों डर लगा? तो वो सोचते हैं डर तो डरने वाली तो बात है, fail हो जाएंगे ऐसे तो क्या होगा. तो वो जब मैं उनको पूछती हूँ डिगिंग करते हैं जैसे सरफेस को, यहाँ ऊपर क्या नहीं, हाँ नीचे क्या चल रहा है, आपको एक्चुअली किस चीज से डर लग रहा है, कि किस चीज का आपको यू नो टेंशन है कि यार ऐसे होगा तो वैसे होगा. तो यू नो हमारा बिगेस्ट फियर इसकी लोग हमें रिजेक्ट कर लेंगे. आर बिगेस्ट फियर इज कि अगर मैं फेल हुई या अगर मैंने कुछ नहीं किया जैसे आपको आपके मन में है कि ये ऐसे करेंगे, तो उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, शी इज नॉट गुड इनफ, तो यू नो आई विल गेट रिजेक्टेड, एंड बीइंग रिजेक्टेड मींस आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो मेरी सेल्फ वर्थ इज अटैच टू योर अप्रूवल. सो उसको पाने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे, बट व्हेन यू आर विद अ कोच वी मेक यू पॉज, आई विल पुट अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एंड से सी व्हाट आर यू डूइंग, एंड देन यू नो वो दिमाग की बत्ती टिंग हो जाती है, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हेन यू स्टॉप. सो व्हेन आई एम टीचिंग पीपल अबाउट इमोशन आई एम ऑल्सो टीचिंग देम टू डिफरेंशिएट कि अगर आपके बॉडी में क्या सेंसेशंस है, तो आपको पता चला कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं एंक्शियस या फियर में हूँ या मैं एक्साइटेड और यू नो सरप्राइज्ड हूँ, तो ये सारे इमोशंस के ना हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं. अब आप किसी को भी पूछ लो यार क्या चल रहा है, बस यार कुछ ठीक नहीं है, मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ कुछ महीनों से, कट रही है, हाँ कट रही है. यू नो हम बड़े आसानी से कोई भी वर्ड्स यूज कर लेते हैं यू नो इजीली, बट डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, यू नो एट विच पॉइंट कैन यू से आई एम डिप्रेस्ड. डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे आप कैंसर होता है, यू कांट जस्ट से अरे यार आई एम नॉट वेल, आई हैव गॉट कैंसर. तो डिप्रेशन इज अ प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो हम ये सब अवेयरनेस लाते हैं कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, हमारा एक एक शब्द हमारी लाइफ को उसी घड़ी में क्रिएट कर रहा है जी, राइट? तो जैसे मेरे 5 साल के अर्जुन ने बोल दिया कि इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, टेरिफिक, यू नो बहुत मजा आएगा, एंड उसको मजा आया जी, यू नो. एंड अगर हमने बोल दिया यार कट रही है, बस पता नहीं यार यू नो सर्वाइव ही कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोलता है अच्छा तुम्हें सर्वाइव करना है, ठीक है, मैं उस बस बेसिक सर्वाइवल तक ही. So the universe is always listening. I mean, आप God बोलो, universe बोलो, जो बोलो, it's all the same for me. So which is why as a happiness coach, my main job is to teach people more self-awareness. जैसे आप कहते हैं explore I या self-discovery. And to make them aware that what are you feeling, why are you feeling it, when do you feel this, recognize your triggers. और उन triggers को फिर कैसे manage करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस लेवल से प्ले करके एंड देन यू आर कमिंग टू द कॉन्शियस लेवल. बिल्कुल. एंड यू नो एज आई थिंक डॉक्टर श्री कुमार राव, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, एंड ही सेड दिस व्हिच आई लव्ड,
कि हमारी अवेयरनेस एक फ्लैशलाइट की तरह है, टॉर्च। राइट। आप जहाँ भी टॉर्च घुमाओ वो जगह लाइट अप हो जाएगी, और एक बार लाइट अप हो जाती है तो आप वहाँ देख सकते हो कि अच्छा ये क्या है। तो अगर हम अंधेरे में चल रहे हैं और यहाँ एक पत्थर है तो वी विल स्टम्बल ऑन इट, बट अगर लाइट चालू कर दी और आपने देखा पत्थर है, यू विल नॉट स्टम्बल ऑन इट, यू विल वॉक अराउंड इट, ओवर इट, व्हाटएवर। तो वैसे ही जब व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर, इमेजिन यू विल नॉट हैव वो अंधेरे में ऐसे ऐसे मतलब पत्थरों के रास्ते पे चलना, दैट विल नॉट हैपन। सो मतलब कहीं ना कहीं आप वो कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं कि हम बचपन से किस तरह की कंडीशनिंग है, वो यदि आगे चल के हमको कुछ प्रॉब्लम दे रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस कंडीशनिंग पे वर्किंग करते हैं एंड देन यू मेक देम। यस। सो डॉन मिगुएल रुइज, ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ऑथर्स, एंड उन्होंने कहा था कि ही कॉल्स इट द डोमेस्टिकेशन ऑफ मैन। ओके। राइट। एंड ही सेज कि हम सबको डोमेस्टिकेट किया गया है। चिल्ड्रन आर बॉर्न वाइल्ड एंड फ्री एंड हैप्पी, दे आर फुल ऑफ जॉय, और फिर हम उनको सिखाते हैं ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये इसको नहीं प्लीज करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एंड वी पुट देम इन दीज लिटिल लिटिल बॉक्सेस, यू नो, छोटे छोटे जेल्स में डाल देते हैं जी। एंड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट, यू नो, ही हैज गिवन अस सम कीज टू हैप्पीनेस। सो ऑब्जर्वेशन और ये सब, टू बी सेल्फ अवेयर। करेक्ट। मेरे को एक लाइन याद आ गई जो की काफी रिलेवेंट लग रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल। मैम, हम यदि हैप्पीनेस की ही बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, जिस तरह आपने बताया अर्जुन की बात की वो अप एंड डाउन हो रहा था, हमारी लाइफ में भी प्रॉफिट लॉस, जीत हार, सुख दुख, धूप छांव, ये सब मोमेंट है, तो इज इट रियली रिक्वायर्ड कि हम हर समय हैप्पीनेस के माइंड में ही रहे या हैप्पीनेस स्टेटस में ही रहे? सो ओके, आई विल टेल यू, आई विल पुट इट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। अगर आप पिक्चर थोड़ी बहुत तो देखते हैं, बिल्कुल, तो अगर मैं आपको एक पिक्चर देखने लेके जाऊँ जिसकी स्टोरी है कि यू नो, लड़का लड़की से मिला, दोनों इंस्टेंटली प्यार में पड़ गए, दोनों के पेरेंट्स ने भी इंस्टेंटली हाँ कर दिया, फिर दोनों के बच्चे हुए, जॉब वर्क किया, घर वर लिया और वो मर गए, वेरी हैप्पी लाइफ। राइट। आप वो पिक्चर देखने जाओगे, आप बोलोगे यार मजा ही नहीं आया। Correct. कोई स्टोरी में दम नहीं था, इंटेंस इमोशन नहीं थे, कैरेक्टर्स को उन्होंने यू नो ग्रो होने ही नहीं दिया। जी जी। व्हाई? बिकॉज लेट मी टेल यू अ सीक्रेट व्हिच पीपल डोंट नो, हैप्पीनेस बाय इटसेल्फ इज वेरी बोरिंग। ओके। वेरी बोरिंग। नाइस। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, बिकॉज मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, इफ आई एम कॉन्स्टेंटली एबल टू, अगर यू नो लाइफ में कुछ भी यू नो इधर उधर इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल या गलत जा रहा है, एंड आई फील कि यार चलो मैंने ये टूल सीखा है, मैं अप्लाई कर दिया, इसको निगेट कर लिया, जैसे यू नो वीडियो गेम्स में वो मशीन गन लेके इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, एंड देन सब खत्म हो गया, अच्छा ओके, यू नो सब खुश हो गया, तो मैं सैड हो गई कि यार मजा ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ड्रामा तो बनता है, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा यू नो कभी खुशी कभी गम, वो चाहिए हमें, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल क्रीचर्स, और वो जब इमोशनल रेंज, सारी ही रेंज हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें इतना मजा आता है, बिकॉज इट्स डिफरेंट, वी गेट टू एक्सपीरियंस फिजिकली एंड एवरी इमोशन फिजियोलॉजिकली, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट सिक्रीशंस होते हैं, तो वो सब हमें वी एक्चुअली एंजॉय। और अगर सारा ही हैप्पी 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 है तो काफ़ी सैड हो जाएगा, बोरिंग। जैसे जब भी मैट में यू नो गीत जो करीना कपूर है, आफ्टर ऑल द ड्रामा दैट हैपन्स, वो बस में बैठ के बोलती है बाबा जी प्लीज अब मेरी लाइफ बोरिंग कर दो, यू नो बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू सो मच, तो शी सेज अब थोड़ा सा। तो व्हेन पीपल से आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, आई जस्ट आस्क देम वन थिंग कि डू यू रियली वॉन्ट हैप्पीनेस, बिकॉज दैट विल बी अ लिटिल बोरिंग। एंड नाउ व्हेन आई हैव लर्नड हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, आई चूज, पिक एंड चूज कि मुझे कौन से ड्रामे में, यू नो जैसे हम पिक्चर चूज करते हैं, हम 3 घंटे की पिक्चर क्यों देखने जाते हैं? 3 घंटे हम हंसेंगे, रोएंगे, गुस्सा भी आएगा, विलन को ऐसे मारने का मन भी करेगा, एंड इट्स सो मच फन। सो आई चूज कि मुझे इस मूवी में ना, हाँ मेरा टाइम लगाना है, पैसे नहीं लगते, टाइम लगाना है इस मूवी को, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा, इसको जाने देते हैं। जैसे मैं अपने आप अपने दिमाग में, मेरी एक, आई मीन नो ऑफेंस टू द डायरेक्टर्स आई एम गोइंग टू नेम,
बट एक मधुर भंडारकर जी हैं जो बहुत ही सीरियस एंड यू नो ऐसे उनकी पिक्चरें देख के मैं हफ्ते हफ्ते तक रोती हूँ. राइट मैंने बोला वैसी पिक्चर नहीं देखनी, यू नो समथिंग लाइट एंड हैप्पी रोम कॉम. करण जौहर की पिक्चर्स आई लाइक, यू नो दे आर हैप्पी, दे आर यू नो कभी खुशी कभी गम, बट यू आर लिविंग हैप्पी. सो आई सेड हाँ दिस इज वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, आई वॉन्ट अ लिटिल हैप्पीनेस, अ लिटिल बट जो मैं हैंडल कर सकूँ एंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चाहिए. सो डू आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? द आंसर इज आई वुड लव टू, बट देन लाइफ वुड गेट वेरी बोरिंग. तो थोड़ा सा ड्रामा तो चाहिए. वी लव द ड्रामा. यस आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हम सब जिन लोगों तक ये कॉन्टेंट जा रहा है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो आपने पॉइंट बोला है कि हर समय हैप्पीनेस की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए, वो मजा देता है लाइफ में. बिल्कुल, इट मेक्स इट एक्साइटिंग. यू नो कुछ चैलेंजेस आती हैं, बट यस इसमें ये है कि यू हैव टू लुक एट लाइफ एज अ गेम. कि मैं ये पूरा एक मजे के लिए कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू हैव फन हियर, दिस इज अ गेम आई हैव चोजन टू प्ले. जैसे बच्चे वीडियो गेम यू नो ऐसे ऐसे करके खेल रहे होते हैं, All they want to do is have fun. अगर मरते भी हैं, अगर उनका you know battery low 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 होके third life खत्म हो गया और dead भी हो गए, okay फिर से start करते हैं. You know that mindset कि I'm playing for fun, that's very clear. Right. तो life में all these ups and downs are fun as long as पीछे you have that awareness कि मैं ये पूरी game is the game of life. I'm playing it because at the end of the day, this is fun for me. Right. जैसे मैं आपको एक बहुत you know अजीब चीज बताऊंगी, शायद आप मुझे totally judge करेंगे. But my life is very happy, touched by the grace of God, very very blessed. मतलब मैं जो मांगती हूँ मुझे silver platter पे ribbon tie करके universe भेज देता है. तो अब you know बाकी सारे मौके कम मिलते हैं कुछ कुछ emotions experience करने के. तो एवरी 2-3 months में मेरा एक दिन होता है जब यू नो बच्चे यू नो मेरे हस्बैंड अगर बच्चों को लेके बाहर गए हैं वगैरह, तो मैं अपनी रूम में पॉपकॉर्न वगैरह लेके एक बिल्कुल सैड सी मूवी लगाऊंगी और सैड से गाने सुनूंगी और रोऊंगी खूब सारा. फिर मुझे इतनी खुशी होती कि हाँ लाइक आई हैव क्राइड, आई फील सो हैप्पी बींग सैड. सो इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, वी एन्जॉय ऑल दीज इमोशंस. बट हम जो नैरेटिव यहाँ पे लगाते हैं, अरे ये तो मैं दुखी हूँ, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, आई एम वेरी अनलकी, ये नहीं वो ठीक नहीं, ये मुझे हमेशा, तो वो जो सॉब स्टोरी जो हम कहते हैं इंग्लिश में, जो सॉब स्टोरी है ना वो हमें फंसा देता है. बाकी इफ यू टेक इट विद अवेयरनेस कि मुझे गुस्सा, जब मुझे मैं बच्चों को गुस्सा करती हूँ इतने शान से गुस्सा करती हूँ कि डोंट यू डेयर डू दिस, और फिर 2 seconds में ठीक हो गया यू नो. बट वो डायलॉग बोलने में बड़ा मजा, सो आई एम टेकिंग इट कि यू नो दिस इज नेसेसरी, आई एम एंजॉयिंग इट. सो आई एंजॉय एवरी इमोशन. And I feel only enjoying every emotion can make you truly happy. Truly. Only happiness cannot make you happy. It's very boring. So life is a game, play it. Play it. Right. And you might die, you might fail, you might get killed. Doesn't matter. Play again. आप ही की गेम है, जितनी बार चाहे चूज कर लो. मैम एक बहुत बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि खाना खाना, पैसे कमाना और दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर इस जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये मात्र एक संयोग है कि हम यहाँ पे आ गए हैं और हम ये सब काम करने वाले हैं, या ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? सो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जिंदगी वही है जो आप उसे बनाते हो. इट इज, इट बिकम्स वॉट एवर यू मेक इट. सो इफ यू मेक इट यू नो सहयोग, इफ यू मेक इट कि यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी है, इट विल बिकम. बट आई विल टेल यू वॉट इट इज़ फॉर मी. आई फील कि हम एक तो नंबर वन यहाँ पे आए हैं टू हैव फन. ओके, टू हैव फन, टू लर्न विथ फन. वेन यू आर अवेयर यू विल लर्न विथ फन, अदरवाइज वो थोड़ा सा रोने धोने वाला लर्निंग हो जाएगा. बट वी आर हियर टू प्राइमेरली हैव फन इन लाइफ. ओके, एंड वाइल वी आर हैविंग फन, वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर हैव फन एंड लर्न, कॉन्ट्रीब्यूट टू योर जर्नी. लाइक यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई जर्नी, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर जर्नी. एंड वन थिंग विच आई फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट कि On one hand, I will say we have very little time. You know, किसका कितना वक्त लिखा है, we don't know. And on the other hand, I also say we have all eternity. You know, सिर्फ यही जन्म नहीं है. We can take endless more janams and fight also, you know, fall in love also, go to war also. So we have less time and we have all eternity in the same breath, I say it. But if we have come here for a less time, लेट्स मेक श्योर कि हम एक दूसरे की जर्नी ज़्यादा सुंदर बनाएं. यू नो लेट्स एड फ्रेग्रेंस
ऑफ लव ऑफ काइंडनेस. आई फील यू नो पहले पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी मेरी, तो वो कहते हैं ना ज्ञान मार्ग, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे ये सीख लिया, वो सीख लिया, ये समझ लिया, ये अच्छा ओके ऐसे है वैसे है. और वो सारी बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद यू नो व्हेन इट कम्स डाउन टू द कोर, वो एक चीज़ जो आप अगर समझ लो तो यू नो आप जैसे कहते हैं ना बेड़ा पार हो जाएगा. तो मैंने समझा कि एट द कोर इट इज़ लव एंड काइंडनेस. इफ़ यू कैन डू दैट कि आप जिनसे भी मिलो मेक श्योर यू आर लीविंग देम हैप्पियर नॉट मोर सैड, यू नो वो थोड़े से और खुश हो गए आपको मिलने के बाद. जैसे मैं इंदौर में फ्लाइट में आई तो अपना थोड़ा सा मम्मी ने कहा था मुँह मीठा करके जाना, तो घर से तो भूल गई तो मैंने रास्ते से थोड़ा केक ले लिया. और मैंने डब्बा खोला फ्लाइट में तो एक आंटी जी बैठी थी, वेरी स्वीट ओल्ड लेडी, एंड मैंने उनको बोला कि आंटी जी आप खाइए. वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है बेटा आप खा लो. आई से नहीं नहीं बहुत अच्छी है खाइए. एंड हम बात करने लगे, फिर यू नो इनसाइड एक दूसरे यू नो there was another gentleman, हम बात कर, और हमारी पिकनिक चल रही थी वहाँ पे, एंड when we left we exchanged numbers, selfies ली, and we have become friends. Very nice. So whenever you interact with anyone, as long as you can keep, अच्छा अब ये तो ठीक सब सरलता से निकल गया, बट अगर कहीं किसी ने यू नो जैसे कहते हैं बस में आपके पैर पे किसी ने पैर रख दिया, गाड़ी ड्राइव करते हो किसी ने ओवरटेक कर लिया या ठोक दिया, उसमें भी यू नो वो याद रखना कि यार दो सेकंड के लिए तो मिल रहे हैं, यू नो ठीक है चलो कोई नहीं हो गया. सो टू कीप दैट अवेयरनेस कि अगर मैं मिलती हूँ किसी से, आई वांट टू लीव देम इधर विद अ स्माइल और विद अ लिटिल मोर लव एंड काइंडनेस इंस्टेड ऑफ यू नो वो गुस्सा तनाव स्ट्रेस या यू नो पूरा ऐसे. वैसे वो गुस्से को पकड़ना मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो ऐसे यार जाने दो, दिस इज ईजियर जाने दो. सो आई बिलीव लाइफ शुड बी एफर्टलेस, and if it's not effortless it's not worth it. तो आप कोशिश करो गुस्से को पकड़ने में, यू नो अगर ऐसे करके यू नो बहुत गुस्सा हो कि आप ये सब मसल्स को यहाँ फ्राउन में एक टेंस करके कितनी देर रखोगे यार, मतलब दुखने लगता है चेहरा, है ना. फिर स्माइलिंग इज सो इजी यार, स्माइल करो थोड़ा सा और बी हैप्पियर. सो केजी सोमया से एचआर में एमबीए, देन एचआर प्रोफेशनल्स के साथ आपने एज एचआर प्रोफेशनल कुछ काम करा, एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये शिफ्ट आया कि हैप्पीनेस कोच बनना है? तो आई थिंक आई वॉज ऑलवेज अ वेरी हैप्पी पर्सन, यू नो बचपन से, आई थिंक स्कूल में कॉलेज में मेरा निकनेम था स्माइली. ओके, ये बहुत स्माइल करती है. एंड आई रिमेम्बर जब मैं अपनी जो आखिरी जॉब थी, मैं जब वहाँ गई थी और पहले या दूसरा ही दिन था, तो हमारे कंपनी के एक बड़े सीनियर डायरेक्टर, मेरी बॉस और मैं खड़े थे पार, वो आए तो उन्हें बोला ये लड़की ना बहुत स्माइल करती है, ये 4 महीने भी नहीं टिकने वाली यहाँ पे, मतलब इतने खुश लोग इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना वो हैंडल नहीं कर पाएगी. और मैं इतनी ऑफेंड हो गई, मैंने बोला यार ऐसे कैसे यू नो मुझे डाउट कर रहे हैं ये लोग. और जब मैंने 4 महीने ख़त्म किए वहाँ पे, आई ऑलमोस्ट वेंट टू हिज टेबल यू नो कि सर 4 महीने हो गए, एंड ही वाज लाइक हाँ क्या. आई वाज लाइक अच्छा इन्हें तो याद भी नहीं है मैं 4 महीने से पकड़ के बैठी हूँ. और एज आई सेड यू नो देन आई रियलाइज्ड कि यार हम जो चीज़ें किसी ने यू नो ऐसे ही सोचे बिना बोल दी होगी हम पकड़ के रखते हैं. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वॉज कि मुझे हमेशा ये रहता था कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम अंदर से खुश करें, यू नो इफ़ दे आर फीलिंग हैप्पी एंड मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड, तो वो लोग ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे. और मेरी हमेशा से यू नो यही मेहनत थी कि उनको खुश कैसे करें. तो या कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें या Q&A सेशंस, या आपको कोई प्रॉब्लम है मैं आपको हेल्प कर दूं, तो उनकी सारी यू नो ऐसे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करती थी. और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस फुल टाइम, बिकॉज अदरवाइज यू गेट टू डू दैट 20%, 80% जो HR की यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब यू नो आफ्टर माई सेकेंड बेबी वॉज बॉर्न आई सेड इट्स नाउ ऑन एवर, अगर मैंने ये करना है तो सिंस आई एम ऑन मैटर्निटी ब्रेक, तो ऐसे मैं अभी कर लेती हूँ, लेट मी जंप इन. एंड माई कंपनी वॉज नाइस इनफ, दे सेड अच्छा तू ये ट्राई कर ले, 6 months अगर नहीं चलेगा तो वी आर नॉट गिविंग यू रेजिग्नेशन, यू आर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर रेजिग्नेशन, वापस आ जाना. आई सेड ठीक है चलो. सो 6 months आई वॉज यू नो ऑन अनपेड यू नो लीव, but then I told them ki you know I'm loving this, it fills my heart to do what I love, and I think I found my purpose ki you know main yahi karne ke liye yahan aayi hu, to I don't think I'm coming back. So they were very sweet, you know they let me go with a lot of kindness, and they've always supported my journey. So one of my last question, yes, ki aisi kaun kaun si qualities hain life mein
जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि मानव जीवन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़ क्या हैं? सो द फर्स्ट थिंग आई फील दैट एवरीबडी शुड बी सेल्फ अवेयर. ओके. जब आप यू नो अपने आप को लाइक आई ऑलवेज सी माई सेल्फ लुकिंग एट माई सेल्फ लाइक दिस. जब आप अपने आप को ऐसे यू नो लोगों से इंटरेक्ट करते हुए अपना काम करते हुए देखते हो, सो यू रियली रियलाइज कि यार मैं कर क्या रहा हूँ. और वो थोड़ा सा टू स्टेप आउट ऑफ द रोज के यू नो इंटरेक्शंस एंड ड्रामा इज़ वेरी नेसेसरी टू गिव यू पर्सपेक्टिव. जैसे हम कहते हैं ना द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर, तो वो एक चीज़ होती है. दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इज़ कि ये क्वालिटी कि आप सब में ही यू आर सीइंग कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है. जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट बोलते हैं कि हम हर घड़ी हमारे लाइफ में जो भी किस्से हो रहे हैं वी आर नरेटिंग इन आवर माइंड कि ये क्या हुआ मेरे साथ जी. तो अगर जैसे समझिए किसी ने आके गाड़ी ठोक दी या आपको कोई बीमारी हो गई, यू कैन ईदर से दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैपन टू मी, या आप कह सकते हो कि ये यू नो बहुत बढ़िया चीज़ हुई. सो इफ़ यू हैव द एबिलिटी, बिकॉज एज आई सेड आप जो सोचते हो और जो बोलते हो आपकी लाइफ उसी दिशा में आपको जाते दिखेगी. सो मैं अब कहती हूँ कि अगर मुझे जैसे मैंने कॉर्पोरेट में जाके पिच किया कि मैं ये हैप्पीनेस प्रोग्राम करूँगी या कहीं टॉक दूंगी और उन्होंने मुझे कर दिया कि नहीं यू नो वी डोंट लाइक इट वी वुड नॉट वील सी सम अदर टाइम, सो आई से दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन. सो आई इन माई हेड आई प्रोसेस कि इधर आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके यू नो टू मेक अ फुल फलूदा ऑफ माई सेल्फ, तो वो बच गया. या तो दे आर नॉट रेडी टू टेक वॉट एवर आई हैव टू ऑफर, तो वो वैसे ही रिसीव नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, रिव्यूज बैड मिलेंगे, तो भी ये बढ़िया हो गया. एंड इफ आई गेट इट आई से ओके दे आर हैप्पी टू रिसीव मी. सो लाइफ इज वॉट एवर यू वॉन्ट. सो दिस अबिलिटी टू हैव फेथ कि द यूनिवर्स इज इन माई फेवर, भगवान जी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये नहीं कि अरे तुमने ये गलत कर दिया अब तुम्हारे कर्मा में मैं यू नो और थोड़े दुख लिख दूंगा. यूनिवर्स इज रिग्ड इन योर फेवर. आप जो भी हो रहा है लाइफ में इफ यू कीप दैट फेथ कि ये मेरे बेस्ट, जो हम कहते हैं वट एवर हैपन्स इज फॉर द बेस्ट, इवन द वर्स्ट थिंग इफ यू कैन कीप द फेथ कि ये मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, फिर वो अच्छा ही दिखेगा. सो दैट एबिलिटी इज वेरी वेरी. एंड वन थिंग आई टोटली बिलीव इन इज टू हैव फन इन लाइफ. तो अगर मैं इसमें एक रूल अप्लाई करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कोई काम करना है जो मुझे बिल्कुल नहीं करना या बहुत बोरिंग है या बस यार नहीं, तो मैं अपने आप के साथ बैठती हूँ कि अच्छा बताओ व्हाई डू यू नॉट वॉन्ट टू डू दिस. कि अच्छा इसमें ना ऐसे ही सपोज रोटी बनाना घर पे, सो आई सेड नहीं करना, व्हाई कांट वी कीप अ कुक, ये नहीं कर सकते वो नहीं. मैं बहुत पहले 2-4 साल अपने आप को बहुत टॉर्चर किया कि देखो मुझे नहीं करना, वो लोग करवा रहे हैं, यू नो थोड़े से विलन्स बना दिए मेरे स्वीट इन लॉस को. बट वन डे सैटर से जान की प्रॉब्लम क्या है यू नो टेल मी. तो मैं अपने आप से बहुत बातें करती हूँ. सो आई सेड कि मुझे नहीं करना. तो आई गेव माई सेल्फ अ चॉइस कि ठीक है मत करो, विल कीप, जो होगा देखा जाएगा. सो आई सेड अच्छा सिंस यू गिविंग मी अ चॉइस मैं बना के देख लेती हूँ मुझे करना है, करूँगी तो ये फ़ायदे हैं, किसी और को रखूँगी तो ये द गुड एंड बैड प्रोज एंड कॉन्स हैं. फिर मैंने कहा नहीं यार अपनी फैमिली के लिए खाना बनाने में एक और यू नो मज़ा है. आई सेड यू नो वॉट आई विल डू इट. उस दिन और आज का दिन मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया बिकॉज नाउ इट इज़ माई चॉइस. एंड अब मैं जब रोटी बनाती हूँ मेरा या तो पॉडकास्ट चल रहा है, मेरा म्यूजिक चल रहा है, मैं यू नो डांस करते हुए बना रही. सो आई मेड श्योर जैसे ट्रैफिक यू नो बॉम्बे में ट्रैफिक इस 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए. एंड आई सेड ओके ट्रैफिक इसको फन कैसे बना सकते हैं. सो देन आई सेड अरे दिस इज मी टाइम. अब 2 बच्चे घर कुकिंग ये वो पिकअप ड्रॉप जॉब के साथ कहाँ आपको 2 घंटे पीसफुली अकेले मिलेंगे. तो आई सेड चलो दिस इज माई मी टाइम. अब वो ट्रैफिक टाइम नहीं है, अब ये मी टाइम हो गया. तो मैं गाड़ी में अकेले जो चाहे म्यूजिक सुनो, जिस फ्रेंड को फोन करना है कर लो, यू नो मजे ही मजे. आई सेड 2 घंटे मेक इट फन. तो फन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फन अवेयरनेस एफर्टलेसनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैम ग्रेट थॉट कि जहाँ हमने स्टार्ट करा था और आपने बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है कंसल्टेंसी लेता है तो आप हमेशा उससे वो बाय करके पूछते जाते हैं और एक डेप्थ में जाते हैं. यहाँ पर आपने जब अपना एक्सपीरियंस बताया तो वही कॉन्सेप्ट आप अपने लिए भी अप्लाई करते हैं. मैं तो आई विल कन्फेस आई डोंट शेयर एनीथिंग
जो मैंने अपने साथ पहले अपने क्लाइंट्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके साथ यूज़ किया है. बिकॉज आई थिंक व्हेन यू हियर माय और मुझे एक्चुअली कई लोगों ने कहीं फ्रेंड्स और वेलविशर्स ने आके बोला है कि यार जानकी तू अपनी लाइफ की अपनी फैमिली की अपने बच्चों के साथ इन लॉज के साथ इतनी बातें शेयर करती है इट्स नॉट गुड यू नो उनको कैसा लगेगा. एंड आई सेड अच्छा शुड आई तो आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड फिर मैं जब नेक्स्ट स्टॉप में गई ना मैं बड़े ऊपर ऊपर से बातें करती थी कि मैं कहीं डिटेल्स ना बता दूं और मैं इतना मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई अपने ही एज अ स्पीकर. आई सेड यार छोड़ो आई सेड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज व्हेन आई एम शेयरिंग इट इज़ कमिंग अक्रॉस एज ऑथेंटिक. ये सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रही हूँ ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं. ये जैसे मिनट टू मिनट हम जो लाइफ जी रहे हैं और जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ एज आई सेड आई एम ऑलवेज वॉचिंग माई सेल्फ. सो आई एम हैविंग एक्सपीरियंसेस जो मैं जब आपके साथ शेयर करती हूँ वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी द नेक्स्ट टाइम इट हैपन्स यू विल ऑल्सो से अच्छा मैं भी अपने आप को वॉच कर लेता हूँ यू नो आप एक्चुअली ये सोचोगे दिमाग यू नो. सो आई ऑलवेज शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई एम ऑलवेज इंट्रोस्पेक्टिंग 24/7. पहले जब सीखा था सेशन के अंदर करते थे बट नाउ इट्स बिकम दैट्स द वे आई लिव. सो इट्स ऑलवेज वो मंथन चलते रहता है इंट्रोस्पेक्शन चलते रहता है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू इट वॉज लवली कॉन्वर्सेशन विद यू बहुत मजा आया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आई एम ग्रेटफुल आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे याद किया एंड यहाँ बुलाया एंड आई गेट टू शेयर माई थॉट्स विद द व्यूअर्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. इट्स बीन अ एब्सोल्यूट प्लेजर. थैंक यू. आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस करा. आप किन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं आइए ऊपर जाएं और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम किस तरह अपने आप को कल से आज और आज से आने वाले कल में बेहतर बनाते जाएं. इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं हमसे ज़रूर शेयर करें. यदि कोई क्वेश्चन आपको जानकी मैम से पूछना है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें हम जानकी मैम तक वो क्वेश्चंस को पहुँचाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका आंसर हमें दें तो वो आंसर भी हम आप तक पहुँचाएंगे. डू लेट अस नो योर थॉट और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है. स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर. हम अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें.